राजा भोज, कोशिश चाहे कितनी भी बार कर लो, बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, लेकिन मेरे रहते मेरे मित्र के सिंहासन पे तो नहीं बैठ पाओगे। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। बेताल, मैं प्रेतलोक से आकाशवाणी बोल रही हूँ। अब से लेकर अगले कुछ समय तक तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रश्न हो तुम्हें हाँ ही कहना है, क्योंकि अगले कुछ समय तक नकारात्मक नक्षत्र चल रहा है। अगर इसमें कोई बेताल नकारात्मक उत्तर देगा तो वो बेताल हमेशा के लिए गधा बन जाएगा। अब जब तक पुनः आकाशवाणी ना हो तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ हाँ। क्या हुआ? अच्छा हुआ इस समय मैं गुफा में नहीं हूँ, वरना कहीं राजा भोज मुझसे कह देते कि मैं तुम्हारे मित्र के सिंहासन पे बैठ जाऊं तो मैं तो ना भी नहीं कह पाता। विवाह कुंडल तुम? हाँ मैं विवाह कुंडल, प्रेत लोक में बनाता हूँ जोड़े, कुछ ज्यादा कुछ थोड़े। तो जाके जोड़े बनाओ प्रेत लोक में, यहाँ क्या करने आए हो? अरे मुझे बेतालनी मिली थी, उसने मुझे बताया कि तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए हो, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है मुहूर्त निकालने और तारीख निश्चित करने के लिए। पर उससे पहले मैं सुनिश्चित कर लूँ तुम्हारे मुख से, क्या तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो? तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा तुम हमेशा के लिए गधे बन जाओगे। क्या करूँ, ना भी तो नहीं बोल सकता। अरे बोलो। हाँ। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब मैं जो मुहूर्त निकालूंगा उसमें तुम विवाह करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम वादा करते हो कि तुम अपनी बात से नहीं पलटोगे? अरे कोई तो प्रश्न ऐसा करो जिसका उत्तर हाँ या ना में ना देना पड़े। इसका मतलब तुम विवाह के लिए तैयार हो? अगली पूर्णमासी को तुम्हारा विवाह सौंदर्य लेखा के साथ निश्चित हुआ है, अब मैं चलता हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस समय मैं ना बोल ही नहीं सकता उसी समय इस विवाह कुंडल को भी आना था। बिल्कुल सही कहा आपने। देवी महामाया, गुणों की असली कसौटी कर्म ही हैं। एक उत्तर देंगे? हाँ देवी अवश्य पूछिए। एक राजा में कौन से धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है, राजधर्म या त्याग धर्म? एक राजा में ये दोनों धर्म तराजू के दो पलड़ों के समान है, और एक कुशल राजा में इन दोनों धर्मों का होना अनिवार्य है। किंतु आपकी दृष्टि में इन दोनों में बड़ा कौन है, त्याग धर्म या? ये कहां पहुंच गया?
पक्षी राजा भोज को कहां ले जा रहे हैं? इसे इनसे चाहिए क्या? ये कौन सा स्थान है और ये कहां गया मैं? कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लाए हो? मैं इन पक्षियों का राजा हूं, पक्षी राज। मैं तुम्हें इनके भोजन के लिए यहां लाया हूं। तुम्हें इनका आहार बनना होगा। कैसे बनोगे ये तुम बताओ, अपने प्राण को त्याग कर या हमारे बल प्रयोग से मरकर? पक्षीराज, ना तो बल प्रयोग करने वाला बलशाली होता है, ना मजबूरी में त्याग करने वाला त्याग। दोनों ही परिस्थितियों में हम में से कोई भी महान नहीं होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह कि जो बलवान होता है वो सामने वाले को बराबरी का मौका देता है, और जो त्यागी होता है वो स्वेच्छा से त्याग करता है। स्पष्ट बोलो। यदि तुम सच में बलवान हो तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी प्रजा का आहार बनूंगा, और यदि मैं जीता तो मुझे वही छोड़कर आओगे जहां से मुझे लाए। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तो तुम में है वो भी अद्भुत। तो इसमें क्या है?
मेरा मित्र विक्रम था ना, वो तो इससे कई गुना ज्यादा पराक्रमी था। मैं हार गया प्रजाजनों, मुझे क्षमा करना, मैं तुम लोगों की भूख शांत ना कर सका, इसीलिए आप सब मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। राजा भोज, आप मेरा वध कर दीजिए। नहीं पक्षीराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक राजा है और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। किंतु मैं अपनी प्रजा के पालन में असफल हो गया। मैं अपनी प्रजा को आहार नहीं दे सका, इसीलिए अब केवल यही एक मार्ग है। नहीं, मैं अभी हूं और मेरे होते हुए आपकी प्रजा भूखी नहीं मरेगी। आपके पक्षी अब मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे राजा भोज को पता नहीं है कि उसने अपने प्राणों को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। अपने प्राणों का त्याग करेंगे मुझसे जीतने के बाद भी? हाँ। नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पक्षीराज, अनर्थ तो तब होगा जब मेरे जानने के बाद मेरी आंखों के सामने आपके पक्षी फूंक से मरेंगे। जिस जीवन के त्याग से दूसरों को सुख और संतोष मिले वही सच्चा त्याग है, इसलिए आप मेरे त्याग को स्वीकार करें। आइए पक्षियों, मुझे अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत करिए। नहीं राजन, आप विजेता हैं और हम नियम के अनुसार आपके इस त्याग को स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं पक्षीराज, विजेता होने से पहले मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य का पहला धर्म किसी के प्राण की रक्षा करना। अपने जीवन को त्याग कर, यदि एक जीवन को त्याग कर तो एक जीवन का भला हो, तो उस जीवन को त्याग देना चाहिए पक्षीराज। आइए पक्षियों, अब और विलंब ना करें, मुझे अपना आहार बनाएं। त्याग के अर्थ को जानना और उसे जीवन में उतारना दोनों खूबियां जानते हैं राजा भोज, और एक सच्चे त्यागी की यही तो पहचान है। राजा भोज गायब हो गए, त्याग की कसौटी में मैदान मार गए। अब ये कहीं इस गुण का प्रमाण भी दे ना दे और सिंहासन की अगली सीढ़ी ना चढ़ जाए। हाँ, जरूर गुफा गए होंगे, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, पर कहीं ये मुझसे ये ना कह दे कि अब मैं इस सिंहासन पे बैठूंगा तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? क्या वो आकाशवाणी सौंदर्य लेखा की सहेली है? सौंदर्य लेखा के कहने पर उसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया और विवाह कुंडल भी इनसे मिला हुआ है, ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। चलो ठीक है, आने दो अब उस विवाह कुंडल को या सौंदर्य लेखा को, मैं बताता हूं।
गोलू दिखाओ मुझे। देवी आप ये? हाँ मैं कबूतरों को भोजन दे रही हूँ, क्योंकि भूख और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। हाँ देवी, भूख ना हो तो संसार परिश्रम ही ना करे, सारे जीव आलसी हो जाए। सच कहा आपने। अच्छा मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। क्या? कौन सा धर्म बड़ा है, राजधर्म या त्याग धर्म? प्रणाम देवी, मैं आ गया। बेताल तुम फिर से यहाँ आ गए? व्यवधान डालने में तुम्हें आनंद आता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो देवी जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो मेरे मन में आपसे मिलने की अभिलाषा उछल पड़ती है, तो मैं यहाँ कूद जाता हूँ। मैं कोई राजा भोज से मिलने थोड़े ही आता हूँ। वैसे भी जिसका मित्र विक्रम हो वो राजा भोज से मिलने क्यों आएगा? वैसे राजन, देवी ने आपसे जो प्रश्न पूछा है ना उसका उत्तर बहुत कठिन है ना देवी? बेताल प्रश्न मैंने पूछा है, उत्तर सरल है या कठिन उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं लेकिन देवी मैं तो ये बेताल, तो बताइए राजा कौन सा धर्म बड़ा है, त्याग धर्म या राज धर्म? देवी त्याग धर्म बड़ा है, किंतु एक राजा के लिए तो राजधर्म बड़ा होना चाहिए। बिना त्याग धर्म का पालन किए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तेरी ऐसा क्यों? अरे मुझे सामान्य कर दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। क्योंकि त्याग धर्म ही व्यक्ति के मन से अपने पराये का भेद मिटाता है, सबको समान दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। बिना त्याग धर्म का पालन किए राज धर्म का पालन नहीं हो सकता। थे अरे मुझे क्यों त्याग रहे हैं, मुझे ठीक कर दो। इसीलिए त्याग धर्म पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने राजन। देवी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता। पूछिए। पक्षीराज ने जो मेरे साथ किया उसका रहस्य क्या था, उन्होंने ऐसा किया क्यों? ताकि आप सिंहासन को प्राप्त करने की एक और सीढ़ी चढ़ सके। जिसका डर था वही हुआ, ये तो सिंहासन की एक और सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है और मैं यहाँ चूहा बना हुआ हूँ। ये मुंह में खुजली क्यों हो रही है? अपने त्याग धर्म के गुण के आधार पर आपने सिंहासन के और निकट जाने की क्षमता सिद्ध कर दी है, अब आप आगे जा सकते हैं। किंतु याद रहे आगे भी आपको इन्हीं गुणों और योग्यताओं को बनाए रखना होगा। आपकी इस बात को सदा ध्यान में रखूंगा देवी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.